नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीजीबी मीडिया और मैं विजय कुमार। आज हम नवागढ़ विधानसभा के ग्राम घुरसेना में उपस्थित हैं और घुरसेना के हमारे एक सतनामी समाज के वरिष्ठ नेता एवं बहुजन समाज पार्टी के जो है एक कद्दावर नेता जी के हम लोग उपस्थित हैं। तो आज वो लोग जो है 16% अनुसूचित जाति के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो लोग आज ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला मुख्यालय बेमेतरा। तो आइए हम उनसे जो है इस संबंध में बातें करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना जो है हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम गजरतन बंजारे है और मैं प्रदेश सतनामी समाज छत्तीसगढ़ गिरौदपुरी धाम का, मैं बेमेतरा जिला का अध्यक्ष हूँ। तो सर, आज आप लोग का जो ज्ञापन प्रोग्राम है, तो उस ज्ञापन प्रोग्राम के बारे में जो कि सतनामी समाज की तरफ से जो है ज्ञापन दिया जा रहा है जिला मुख्यालय बेमेतरा में, कलेक्टर जी के माध्यम से जो है राज्यपाल जी को आप लोग ज्ञापन देंगे, इसके संबंध में हमें जो है थोड़ा सा आप जो है इसके बारे में रूबरू करेंगे। हम लोग आज अपने सतनामी समाज की ओर से बेमेतरा इकाई से सम्माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, जो 13% है उसको बढ़ा करके 16% किया जाए, ऐसे करके हमारी मांग है। और इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग, समाज के लोग बड़े पैमाने में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। तो आज आप जो है प्रदेश सतनामी समाज के जिला गिरौदपुरी धाम के आप बेमेतरा जिला के अध्यक्ष हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो है आप लोग जो ज्ञापन प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है, आप लोग किस रूट से जा करके जो है आप लोग बेमेतरा में जो है पहुँच करके ज्ञापन देने का काम करेंगे? हम लोग नारायणपुर चौक जो है, नेशनल रोड नारायणपुर चौक से निकल करके हम लोग मारो जाएंगे, मारो से संबलपुर, संबलपुर से नवागढ़, नवागढ़ में SDM साहब को ज्ञापन देंगे, उनके पश्चात फिर नवागढ़ से आगे निकल करके चार भाटा, चार भाटा से फिर बेमेतरा जिला कार्यालय में ज्ञापन दे करके पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर के हजारों की संख्या में पहुँचेंगे। जी, तो अभी जो है सरकार का जो नया आरक्षण रोस्टर नियम जो लागू हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग को 16% के जब बजाय 13% ही दिया गया है, पिछड़ा वर्ग को जो है 27% और आदिवासी अनुसूचित जनजाति को 32%, और जो EWS है जिसको अपन जो है सवर्ण आरक्षण कहते हैं, उनके लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप जो है 13% जो आरक्षण किया गया है, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? और यदि संतुष्ट नहीं हैं तो 16% का ही आरक्षण का मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? इसमें सवाल ही नहीं उठता कि हम संतुष्ट रहें, इसलिए कि हमारा पूर्व में 16% था और पूर्व की भी सरकार ने इसको माइनस किया है और ये सरकार का भी नीति वही है। जब आदिवासी समाज को 32% मिल रही है और पिछड़ा वर्ग को 27% हो गया है, तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल बिना कहे, बिना मांग, समाज के बिना मांग के आज जो वर्तमान में जो सरकार है उसको कर देना चाहिए था। इसमें एक इशू ही नहीं उठता समाज का। अगर यह ऐसे होता तो निश्चित हमें लगता कि चलो हमारे समाज के लिए कहीं अच्छा सोचा, सोच विचार किया जा रहा है करके, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। इसी बात को हमें समाज को अवगत कराने हैं कि अपने समाज जो धोखे में जो चल रहे हैं उसको इस चीज़ से वाकिफ कराने हैं कि वास्तविक में आपका कौन है। ये बात समाज को हमारे समझाने का बिल्कुल ही मुख्य भूमिका रहेगी, क्योंकि ये ज्ञापन रैली तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम समाज को चाहेंगे कि इस स्थिति को समझे कि हमारा ऑलरेडी 16% पूर्व में था, जिसको माइनस करके पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार भी वही है, कुल मिलाकर के दोनों सरकार की सोच एक ही है हमारे समाज के लिए। तो हम अपने समाज को उससे पुरजोर विरोध करते हैं, उनके 13% का हम चाहते हैं कि उसको 16% कर दिया जाए। ठीक है, यदि शासन जो है आप लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है 16% आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग के मांग के लिए जो है जगह जगह मांग किया जा रहा है, यदि मान लो आने वाले समय में यदि उसको 13% के बजाय 16% नहीं किया जाता है, यथावत 13% ही रखा जाता है, तो आगे आप लोग की क्या प्लानिंग, क्या रणनीति होगी इस संबंध में? इस संबंध पर फिर से पुनः हम समाज में बैठक करेंगे, बैठक करके हमारे संघर्ष जारी रहेगी, ये निश्चित है, हमारे संघर्ष जारी रहेगी और हम लोग 16% लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रदेश में जो हमारे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पर और पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनको पारित कर दिया है, उनके विषय को संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए और लेकर के बिना बिना कुछ मांग किए
उनको कर देना चाहिए था, लेकिन इसमें अपना जो समाज को, खास करके सतनामी समाज को, अपने विचार, अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे हैं वो कि मैं किस विचार का हूँ, किस विचारधारा का हूँ। ऐसे करके इन लोग का मानसिकता बना हुआ है और हम लोग, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम हर हालत में 16% लेकर रहेंगे। पूरे समाज को आग्रह करेंगे कि पूरे विद परिवार सहित धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए सब तैयार हैं। हमारे पास लगातार समाज का संपर्क बना रहे हैं लोग और हम समाज के साथ हैं, समाज के लिए संघर्ष करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो है, हम बात कर रहे हैं गजरतन बंजारे जी, जो कि बेमेतरा जिला के जो है प्रदेश सतनामी समाज गिरौदपुरी धाम के जो है जिला के अध्यक्ष हैं और यहाँ इस क्षेत्र में नवागढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के गद्दावर नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं। आप सभी का जो है, सभी दर्शकों का tvmedia.in में बहुत बहुत जो है धन्यवाद और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्वक होगा और सतनामी समाज के संघर्ष
जारी रहेगा। इसी कड़ी पर मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि शासन अपनी सोई हुए आंख को खोल करके देखे और पूर्व के भांति जो पूर्व में 16% आरक्षण सतनामी समाज का था उनको यथावत करने के लिए सतनामी समाज बेमे तरह जिला इकाई संघर्ष पर्वत में उतर चुका है और जब तक पूरा नहीं होगा हम सरकार से संघर्ष करते रहेंगे और अनुसूचित जाति वर्ग का संघर्ष जारी रहेगा जारी रहेगा। इसमें आप सबसे अपील है सब लोग सर्व समाज से सहयोग प्रदान करें। नेता अधिकारी जनप्रतिनिधि व्यापारी सभी से सतनामी समाज की ओर से अनुसूचित जाति की ओर से आग्रह है कि आप सब लोग रोड उतर करके इस सरकार के सोई आपको जगाने का कोशिश करें। आप सबको बार बार जय सतनाम जय सतनाम। मैं रजतन बंजारे बेमेतरा जिला अध्यक्ष आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपना मूल्य समय निकाल करके सहयोग प्रदान करें। आपको बार बार जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। हमारी मांगे पूरी करो समाज जयपुरी धाम छत्तीसगढ़ संगठन के तत्वाधान में बेमेतरा इकाई से अनुसूचित जाति के जो 16% आरक्षण मांग के लिए आज रोड में उतर करके सारे माता बहनाएं छोटे छोटे बच्चे आज जिला कार्यालय कलेक्टर में बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। बंजारे साहब जी भी मीडिया में आपका धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय पद बताएंगे। मेरा नाम रोशन साहू है और मैं वर्तमान में बेमेतरा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूँ। जी जी, अभी जो है आपको ज्ञापन सौंपा गया है प्रदेश सतनामी समाज के पदाधिकारियों के द्वारा, ये किस संबंध में ज्ञापन आपको दिया गया है? जी, प्रदेश सतनामी समाज की जो बेमेतरा इकाई है इसके द्वारा वर्तमान में आरक्षण को 13% से 16% बढ़ाने के संदर्भ में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। माननीय कलेक्टर साहब की बिहाफ में मैं ये ज्ञापन इनसे रिसीव कर रहा हूँ और उचित माध्यम से ये संबंधित को पहुँचा दिया जाएगा। जी जी, ये जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो 13% जो आरक्षण वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया गया है, तो इसके संबंध में जो है अभी सतनामी समाज और पूरे अनुसूचित जाति वर्ग के द्वारा 16% यथावत रिजर्वेशन के लिए जो मांग की जा रही है, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो मामला है ये विधायिका का मामला है और जैसा कि इन्होंने मांग की है और इसके लिए विशेष सत्र भी अभी चल रहा है, आज और कल जो विशेष सत्र चल रहा है, तो जैसा ये फैसला लिया जाएगा वो जो विधायिका बॉडी के द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीजीबी मीडिया में। जी, थैंक यू। भूपेश सरकार हाय हाय। भूपेश सरकार हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। 16% आरक्षण देना होगा। 16% आरक्षण देना होगा। अनुसूचित जाति के मंत्री हाय हाय। अनुसूचित जाति के मंत्री हाय हाय। हाय हाय हाय। आज आप लोगों ने जो संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा में जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो किस संबंध में आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं? आज प्रदेश सतनामी समाज गिरौदपुरी धाम छत्तीसगढ़ संगठन की ओर से हम लोग सतनामी समाज अनुसूचित जाति के जो आरक्षण के जो 13% है उनको 16% मांग के लिए हम लोग पूरे बेमेतरा जिले की इकाई की ओर से आए हुए हैं। ये हमारी मांग है शासन को कि हमारे जो 13% है उनको 16% किया जाए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर फैसला यथावत 16% करने का आदेश पारित हो चुका है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस सरकार जो है इसको अनदेखी कर रही है और इसका मुआवजा बहुत बड़ी इसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समाज उग्र हो चुका है और इस मांग के लिए और हमारी माता बहनाएं और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी रोड पर उतर चुके हैं और ये बहुत बड़ा इसमें संग्राम होगा, महासंग्राम होगा, और जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जी,
जी छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग में 44 जातियां 44 जातियों का कालम होता है, क्या आज सतनामी समाज के अलावा अन्य जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग आते हैं या समाज के जो लोग आते हैं वो लोग आप लोगों को साथ दे रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोग को साथ दे रहे हैं और इसमें आए भी हैं। इसमें कुछ हमारे SC से सतनामी समाज छोड़कर के अन्य समाज के लोग भी आए हैं, उनके द्वारा वाहन भी किराया करके लाई गई है और यहाँ पर हमारे साथ शामिल है। यदि सरकार यदि यथावत उसको 16% नहीं करती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगी? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद धरना होगा, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। जी जी जी, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं TGB मीडिया, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।